दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं माई जियो ऐप से रिचार्ज कैसे करें। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि माई जियो ऐप से रिचार्ज कैसे करते हैं, देखो दोस्तों अगर आप फोन पे गूगल पे से रिचार्ज करते होंगे तो वहां पर जो है एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है, कुछ जो है फी लिया जाता है और दोस्तों वहां पर आपको कैशबैक भी नहीं मिलता है। बट दोस्तों अगर आप माई जियो ऐप से रिचार्ज करेंगे तो यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, उल्टा दोस्तों यहां पर आपको कैशबैक मिलेगा। तो कैसे आप माई जियो ऐप से रिचार्ज कर सकते हैं आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो माय जियो ऐप से रिचार्ज करने के लिए प्ले स्टोर से आपको माय जियो ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाउनलोड करके रखा है। अब आपको माय जियो ऐप को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी को डाल देना है। जैसे यहाँ पर ओटीपी डालेंगे उसके बाद माय जियो ऐप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों माय जियो ऐप से रिचार्ज करने के लिए एक ऑप्शन है, देख सकते हैं मेनू का थ्री लाइन का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा देख सकते हैं रिचार्ज का। दोस्तों रिचार्ज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपना मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना फ्रेंड्स का, फैमिली में किसी का भी रिचार्ज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप रिचार्ज फॉर अ फ्रेंड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जिस नंबर पर आपको रिचार्ज करना है उस नंबर को डाल करके रिचार्ज कर सकते हैं। मुझे दोस्तों यहाँ पर खुद का रिचार्ज करना है तो यहाँ पर हम रिचार्ज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जियो का सभी प्लान शो करेगा, जैसे यहाँ पर पॉपुलर प्लान शो करेगा, यहाँ पर क्रिकेट प्लान शो करेगा, इंटरटेनमेंट प्लान शो करेगा, एनुअल प्लान शो करेगा, डेटा पैक शो करेगा। जैसे मुझे यहाँ पर पॉपुलर प्लान वाला रिचार्ज करना है तो पॉपुलर प्लान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किए तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 239 रुपए का रिचार्ज शो कर रहा है, जिसमें 28 दिन का वैलिडिटी मिलेगा और डेली जो है 1.5 GB का डेटा मिलेगा। इसी तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको जो है डेली का 2 GB डेटा वाला पैक शो करेगा, 2.5 GB वाला पैक शो करेगा, 1 GB, 1.5 GB। तो दोस्तों आपको जितना वाला डेटा पैक चाहिए उसे सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे जो डेली 1.5 GB डेटा पैक चाहिए तो यहाँ पर जो 1.5 GB पर डे लिखा है इसके बगल में प्लस वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको जो डेली का 1.5 GB डेटा पैक शो करेगा। यहाँ पर दोस्तों हम जो 239 रुपए का रिचार्ज करेंगे देख सकते हैं इसमें जो अनलिमिटेड 5 GB चलेगा। दोस्तों इस प्लान में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसका डिटेल्स देखना चाहते हैं, व्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कितना दिन का वैलिडिटी मिलेगा, कितना यहाँ पर दोस्तों आपको डेली डेटा मिलेगा सकते हैं, वॉइस जो है अनलिमिटेड लिखा है, अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं, डेली यहाँ पर जो है 100 SMS फ्री मिलेगा। तो आपको दोस्तों जिस प्लान को रिचार्ज करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, रिचार्ज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट पेज आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं सी ऑल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो भी ऑफर वगैरह चलता है सभी ऑफर के बारे में यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे दोस्तों अगर आप पेटीएम का UPI लाइट के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अप टू 200 रुपया का कैशबैक मिलेगा। दोस्तों आप अमेजोन पे वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अप टू 10 रुपया का कैशबैक मिलेगा। यहाँ पर एक ऑफर शो करेगा पे विथ रिवार्ड्स का यूज करेंगे, यहाँ पर आपको अप टू 200 रुपया तक का सेविंग मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम इसी का यूज करने वाले हैं, चलिए बैक करते हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो है टीविड का यूज करने वाले हैं, इसमें दोस्तों हमें जो है कैशबैक मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 44 पॉइंट्स का यूज होगा और दोस्तों यहाँ पर मुझे जो है 15 रुपया का सेविंग मिलेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिस ओटीपी को दोस्तों यहाँ पर डाल देना है। ओटीपी डालेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट से ज्यादा शॉपिंग करते हैं दोस्तों जो फ्लिपकार्ट में सुपर कॉइन होता है वही कॉइन का दोस्तों यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा, देख सकते हैं, जिस वजह से हमारा जो 11 रुपया कम लग रहा है रिचार्ज में। यहाँ पर 239 रुपया कम रिचार्ज करने और दोस्तों यहाँ पर 11 रुपया कम लग रहा है तो यहाँ पर मुझे जो है 228 रुपया पेमेंट करना होगा। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट करने के लिए UPI वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का, यानी ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ATM कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड, ATM कार्ड का नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, CVV कोड डालेंगे, कार्ड जिसके नाम से उसका नाम डालेंगे, फिर यहाँ पर पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, जिस ओटीपी को यहाँ पे हम डालेंगे। उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका माई जियो ऐप से रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा आ जाएगा रिचार्ज इज सक्सेसफुल। इस तरह से आप माई जियो ऐप से रिचार्ज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।